कार्तिक आपका बहुत बहुत स्वागत है रागगिरी में। अच्छा कार्तिक, आपकी तो माँ जो है वो उन्होंने सितार में एमए किया था, पिता भी गाते गुनगुनाते थे, तो जो आपके परिचय में मैंने कहा कि 5 साल की उम्र से ही आपने संगीत सीखना शुरू कर दिया था, क्या यही वजह थी कि माँ में संगीत था, पिता में संगीत था? जी बिल्कुल, मेरे 5 साल में संगीत सीखने का ये बहुत बड़ा मुख्य कारण था कि मेरी मम्मी, क्योंकि वो खुद एक म्यूजिशियन थी हैं, और मेरे पापा जो कि कान से थे, उन्होंने सुन सुन के बहुत सीखा और फिल्मों के गानों में बहुत रुचि रखते थे, तो हमारे घर में हमेशा संगीत का एक माहौल था। इस वजह से मैंने इतनी जल्दी संगीत सीखने की शुरुआत की, भले ही वो सबकॉन्शियस लेवल पे हो, क्योंकि कभी कोई गाना आता था तो मम्मी मुझे बोलती थी, देखो ये इस राग में है, ये इस तरह गाया जाता है, तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में वो फीड हो रहा था। सो दैट वॉज या वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन्स। अच्छा, जब ये तो हुई एक बात कि आपके घर में संगीत था, लेकिन जब सीखने की शुरुआत हुई तो आपके जो शुरुआती गुरु रहे हों उनके बारे में हमें बताइए। जी बिल्कुल, मेरे पहले गुरु लेट पंडित श्यामदास मिश्रा जी, वो एक्चुअली में ग्वालियर घराने के ओमकारनाथ ठाकुर जी के आखिरी शिष्य थे और उन्होंने बढ़िया घराने से भी तालीम ली थी। एक्चुअली मेरे दिमाग में मेरे गुरुजी श्यामदास जी की बहुत ही अच्छी मेमोरीज है। मैं पटना में था जब मैंने उनसे सीखना चालू किया था और वो मुझे बहुत ही प्यार से सिखाते थे, हमेशा हंसी मजाक करते थे मेरे साथ, मेरे को गुदगुदी करते थे, अपने अपने लैप पे बिठा के मुझे क्लास में सिखाते थे, तो मुझे उन्होंने बहुत प्यार किया। मतलब ही वॉज नॉट लाइक द अदर गुरुज, जैसे लोग कहते हैं कि ऐसा करो वैसा करो, नहीं, मुझे बहुत प्यार से उन्होंने सिखाया, बहुत मुझे प्यार करते थे, मेरे लिए नई नई बंदिशें लिख के मुझे सिखाते थे। सो या आई रियली रियली लव हिम एंड आई मिस हिम अलॉट। कार्तिक, इंटरव्यू को आगे बढ़ाएंगे लेकिन कुछ सुनना भी चाहेंगे, तो कुछ जो आप गुनगुनाना चाहें हमारे लिए, कोई राग कोई गाना जो भी आपके दिल के करीब हो। जी बिल्कुल, मैं एक कॉम्पोजिशन आपको सुनाता हूँ। इस कॉम्पोजिशन का नाम है सांझ, जो कि मेरे भाई विनायक ने लिखी है, कंपोज की है और मैंने इसे गाया है। ये मेरे यूट्यूब चैनल पे भी अवेलेबल है। इसकी 2 लाइनें गाता हूँ। सांझ हुई रंगों के ये नजारे देखो, बात सुनो उनकी दिल के इशारे देखो, कैसे मिले कैसे हंसे एक दूजे के दिल में है बसे, लाल के नीले के घुले किनारे देखो, बात सुनो उनकी दिल के इशारे देखो। तो ये पूरा गाना आप मेरे चैनल म्यूजिक कार्तिक पे जाके सुन सकते हैं। अच्छा कार्तिक, अभी इस वक्त आपकी दिनचर्या क्या रहती है? और ये प्रश्न मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि रियाज के लिए कितना वक्त निकालते हैं आप, यानी दिन का जो 24 घंटा है उसमें रियाज के लिए अब भी कितना समय आप निकालते हैं और कितना निकालना आपको लगता है कि जरूरी, इतना तो चाहिए ही चाहिए? ओके, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि वैसे तो मेरी मम्मी मुझे हर रोज कहती हैं अभी भी कि रियाज करो रियाज करो, मैं शायद थोड़ा सा आलसी पड़ जाता हूँ, बट मेरी दिनचर्या में मैं ज़रूर ये कहूँगा, भले ही शायद मैं बैठ के रियाज में थोड़ा कम ही करता हूँ, शायद ना के बराबर, बट क्योंकि कुछ ना कुछ मैं रिकॉर्ड करता रहता हूँ अपने कुछ गाने, तो उसमें अलंकार, जैसे काफ़ी लोगों ने देखा होगा कि मैं सरगम काफ़ी गाता हूँ, अलंकार जो सुरों के पैटर्न से बहुत गाता हूँ, तो उस तरह से जब मैं उसकी रिकॉर्डिंग कर रहा होता हूँ तो एक तरह से वो प्रैक्टिस हो जाता है। जहाँ तक ये बात है कि कितना करना चाहिए, आई थिंक डेफिनेटली आई थिंक एक 1.5 घंटा तो मिनिमम शायद मुझे करना ही चाहिए। होपफुली मैं और भी ज़्यादा टाइम निकाल के करूँगा ज़रूर, बट जो अलंकार्स और जो स्वराज और जो सरगम जो मैं काफ़ी रिलीज़ करता रहता हूँ अपने चैनल पे, फेसबुक इंस्टाग्राम वगैरह पे, तो हाँ उस टाइम पे थोड़ा एक तरह से प्रैक्टिस हो जाता है, मेरे सुरों की प्रैक्टिस हो जाती है। तो या कार्तिक, वो आपकी राग भीम पलासी की जो वीडियो थी वो खासी जो है पॉपुलर हुई और उसको हमने भी रागगिरी के सोशल मीडिया में पोस्ट किया था, तो वो जो एक्सपेरिमेंट था आपका उसके बारे में भी बताएं और थोड़ा सा गुनगुना के भी सुनाएं। बिल्कुल, एक्चुअली भीम पलासी जो आपने शेयर भी किया था वो एक्चुअली बीबीसी यूके में भी शेयर हुआ, काफ़ी सराहा गया, और उसको मैंने नाम रखा था क्लासिक कपेला, क्योंकि एकपेला जो होता है, एकपेला में कोई इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ नहीं होते, सिर्फ आवाज़ के जरिए, वॉइस के जरिए आपको अलग अलग साउंड्स निकालनी होती हैं, तो मैंने उसे क्लासिक अपेला इसलिए बोला कि भाई क्लासिकल एकपेला, मतलब एक कॉन्सेप्ट जो कि हमारा हिंदुस्तानी क्लासिकल है, इंडियन क्लासिकल है, वो रख के अगर उसे एकपेला में गाया जाए तो कैसा होगा। लेकिन इसके साथ साथ मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी राग हो, हमें क्या है ना, हमेशा रागों की
एक कोई ट्यून जो होती है वो हमेशा बैठ जाती है। अगर आप सडनली किसी को पूछेंगे कोई राग, शायद उसको फटाक से ना याद आ पाए, लेकिन अगर आप उस राग से कोई एक ट्यून एसोसिएट कर लेते हैं अपने दिमाग में, तो ज़रूर आपको याद रहती है। और ये मेरी मम्मी ने मुझे बचपन से ही मतलब ये मेरे दिमाग में डाला, जैसे कि लागा चुनरी में दाग। जैसे मैं लागा चुनरी में दाग सुनूंगा, मुझे तुरंत पता चलेगा अच्छा ये भैरवी राग में है। उसी तरह से मधुबन में राधिका हमीर राग में है। उसी तरह से जैसे मैंने इसमें स्टार्टिंग में जो गाया, पनी सा निजा बनी मबा गा मबा निजा नी सनी पबा पनी नी नी दा 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 मामा मबा नी दा नी दा बा दा नी जा नी दा जा नी दा बा, तो ये कौन सा गाना है? तू चीज बड़ी है मस्त मस्त। तो अब मैंने इसको एसोसिएट कर लिया कि भाई ये भीम पलासी से है ये गाना। तो इस तरह से अगर हम अपने दिमाग में किसी एक राग को एक ट्यून के साथ, एक फेमिलियर ट्यून जिसको हम अच्छे से जानते हैं, अगर एसोसिएट कर लेंगे, तो हमारे लिए वो राग पहचानना और उसका स्वरूप जानना और भी आसान हो जाता है। मैंने इसी पर्पज से क्लासिक का पहला भीम पलासी बनाया, और उसके अंदर मैंने वो सभी गाने जो भीम पलासी राग के ऊपर आधारित है उनको यूज किया। जैसे कि बोल ना हल्के हल्के बोल ना हल्के, वो भीम पलासी में है। तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, भीम पलासी में है। फिर एक तमिल गाना है, मैंने उसकी भी एक धुन को सिंगार वेलने देवा, ये भी मैंने उस गाने में इनकॉर्पोरेट किया। तो वो गाना इज लाइक अ मैशअप ऑफ ऑल द पॉपुलर सॉन्ग्स विच यूजेस भीम पलासी राग। लेकिन मैंने उसके बाद उसमें अपनी एक जो रामा शाह जी की बंदिश है जो मैंने सीखी थी, वो भी उसमें मैंने ऐड की। क्या लगन लागी लागी ऊ नहीं सोरी, लगन लागी लागी ऊ नहीं सोरी, तो ये बंदिश भी मैंने ऐड की। और उसके बाद मैंने एक अपनी ओरिजिनल कॉम्पोजिशन जो कि तराना है, जो उसके एंड में आता है, तन देरे ना तर देरे ना देम ताना तन देरे ना तर देरे ना देम ताना, तो ये मैंने खुद का एक कॉम्पोजिशन ऐड किया। तो इट्स क्या कह सकते हैं आप, एक मैशअप ऑफ ऑल द पॉपुलर सॉन्ग्स इन राग भीम पलासी प्लस हिंदुस्तानी क्लासिकल बंदिश इन राग भीम पलासी प्लस माय ओरिजिनल कॉम्पोजिशन ऑफ अ तराना इन राग भीम पलासी, सब मिला के एक पॉपुलर तरीके से मैं किस तरह से इस राग को प्रेजेंट कर सकता हूँ ताकि सबको आज की जो भी लोग सुने उनको मजा आए सुनने में और इंटरेस्टिंग लगे। तो दैट वॉज माई एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ यू नो डूइंग दिस क्लासिक अपेला ऑफ भीम पलासी। अच्छा, मेरे पर्सनल बहुत फेवरेट है, और आपका परिचय देते हुए मैंने बताया कि आपकी मुलाकात हुई थी हरिहरन साहब से, तो वो एक्सपीरियंस कैसा था, वो कार्यक्रम कौन सा था, कैसी यादें हैं? देखिए, पद्मश्री हरिहरन जी के साथ मैं बहुत ही ब्लेस्ड हूँ। मैं बहुत बहुत ब्लेस्ड फील करता हूँ कि मुझे मौका मिला कि मैं उस शो में गया। उस शो का नाम था हरी उड़न नान, जिसका ट्रांसलेशन है हरी के साथ मैं, क्योंकि हरी जी जज थे। तो द विनर यू नो गेट्स अ चांस टू बी विद हरी जी एंड उनके साथ सीखने का मौका मिलता है। तो उस शो में तमिल रियलिटी शो था जो, वो जया टीवी पे आया था, और मैं उस शो में गया था एक्चुअली मैं ये सोच के लाइक एनी अदर रियलिटी शो, बट ऑफकोर्स हरिहरन जी से मिलने की मेरी भी एक आशा जो थी। लेकिन जाने के बाद जो एक बहुत यूनिक बात थी उस शो की, वो ये थी कि दैट शो वॉज नॉट अबाउट कि आप आए, आपने गाना गाया और यू नो जजेस ने सुना और एक कमेंट दिया, नहीं नहीं ये अच्छा हो सकता था, वो अच्छा हो सकता था और चले गए। नहीं, हरिहरन जी एक उनके दिमाग की एक बहुत अच्छी ये सोच थी कि शोज आते जाते रहेंगे, लेकिन इंसान को संगीत में सीखना बहुत जरूरी है। तो वो हर एपिसोड में, जैसे हमने एक गजल एपिसोड किया, तो उन्होंने स्पेशली यू नो शुचि स्मिता दास जी जो कि बहुत ही प्रख्यात सिंगर हैं, उनको बुलाया, हम सभी कंटेस्टेंट्स को ट्रेन करवाया गजल में, सुगम संगीत में, ठुमरी में, इन चीज़ों में। उसी तरह से अकबर खान साहब जो गुरुजी हैं उनको बुलाया बॉम्बे से, वो रहे चेन्नई में बाकायदा एक एक 2 महीने रहे, हमारी एक इंटेंस ट्रेनिंग हुई। सुबह शाम हमें पलटे करवाते थे, पलटा पलटा यानी कि एक स्वरों का पैटर्न अलंकार, जो जैसे मैं अभी काफ़ी कुछ डालता रहता हूँ जो यूट्यूब पे, तो अकबर खान साहब हमें खूब पलटों की खूब रियाज करवाते थे। तो ये एक बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस है जो किसी रियलिटी शो में होता नहीं है। हर शो में आते हैं, गाते चले जाते हैं, कमेंट्री देते हैं, जजेस और चले जाते हैं। यहाँ पे हरी जी मेड श्योर कि हम लोग सीखें, हम नया चीज सीखें, नए राउंड के लिए कुछ और सीखें। तो ये एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। दूसरी बात ये कि क्योंकि इतने बड़े लेजेंड हैं वो, एज अ स्टूडेंट यू नो बहुत कुछ मुझे उनसे सीखने को मिला। और क्योंकि उसके बाद मैंने उनके साथ अभी जैसे लास्ट 1-2 साल पहले यूएस टूर किया था,
तो एक उनकी इतनी अच्छी जो बात है ना कि आई ऑलवेज से ही इज द बेस्ट गुरु, मतलब एक गुरु के स्थान पे इतना वो एक एक बारीकी, मतलब एज सच अ लेजेंड उनको जरूरत नहीं है शायद कि वो अपना को इतना टाइम डिवोट करे भाई कि तुम ये गलत कर रहे हो, लेकिन उन्होंने वो हमेशा ही मेक श्योर कि अच्छा नहीं कार्तिक ये यहाँ तुम इम्प्रूव कर सकते हो, इस चीज़ को ऐसे गाओ, ये सा का ऐसा रियाज करना है, नीचे के सुरों का ऐसे रियाज करना है, उन्होंने बैठ के मुझे सिखाया है। और मैं बहुत ही ब्लेस्ड हूँ कि भगवान को मैं बहुत थैंक यू करता हूँ कि मैं उनसे सीख पाया इतना, और मैं उनसे गाइडेंस लेता रहता हूँ, उनसे कुछ भी मुझे डाउट हो तो मैं उनसे पूछता हूँ। एक इतने बड़े लेजेंड जब उनका हाथ आपके सर पर हो तो आई थिंक उससे बड़ी और क्या ब्लेसिंग हो सकती है। तो आई एम रियली थैंकफुल टू हरि उड़न नान शो एंड टू पद्मश्री हरिहरन जी, यू नो, फॉर ब्लेसिंग मी एंड फॉर टीचिंग मी एंड यू नो थैंक यू सो मच हरि जी। लगे हाथ शंकर महादेवन साहब से भी जो आपकी मुलाकात हुई उसका भी जिक्र बताएं। तो अगेन इट्स अ ब्लेसिंग, शायद मैं बहुत उन कम लोगों में से हूँ जिनको शंकर जी और हरि जी दोनों की ब्लेसिंग मिली। लाइक एवरीबडी नोज मैं शंकर जी को भी बहुत 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 प्यार करता हूँ, और उनको भी मैंने काफ़ी मैं उन्हें फॉलो करता हूँ, उनके उनके स्टाइल को मैंने काफ़ी उनको मैंने यू नो आइडलाइज किया है छोटे से, जब मुझे पता भी नहीं था कि ये शंकर जी हैं, तब से मैं उनको आइडलाइज करता आ रहा हूँ। तो जिसे कहते हैं ना कि कई बार आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा दिल से चाहते हो तो वो शाहरुख खान का डायलॉग है ना कि पूरी कायनात उसे मिलाने में आपकी मदद करती है, तो वही हुआ मेरे साथ भी। यू नो बाय गॉड्स ग्रेस एक कंपटीशन हुआ था जो जो कि शंकर महादेवन एकेडमी करवा रहा था ग्वालियर में, इट वाज एन इंटर कॉलेज कंपटीशन, और जब मैं मास्टर्स में था तब मैंने उसमें पार्ट लिया, और उसका जो विनिंग प्राइस था वो ये था कि जो भी विनर होगा उसको शंकर जी के साथ एक 10-15 मिनट ऑनलाइन बात करने का मौका मिलेगा। तो मैंने वो कंपटीशन जीता, और उसके बाद जब मैंने शंकर जी से बात किया, उनको मैंने गाना सुना तो उनको बहुत पसंद आया, तब उन्होंने मुझे कहा कार्तिक अगली बार जब मैं अहमदाबाद आऊँगा, तब मैं अहमदाबाद में था, तब तुम मेरे साथ स्टेज पे ज़रूर गाओगे। तो ये बात मेरे लिए बहुत बड़ी थी, यू नो इट्स लाइक कि समझिए आप किसी इंसान को आइडल मानते हो और वो अगर आपको ये बोल रहे हैं तो क्या एक इमोशन होगा, क्या एक फीलिंग होगी। तो ये बहुत ही एक अच्छा मोमेंट था। बट टचवुड उसके बाद मैंने उनकी एकेडमी ज्वाइन की, शंकर महादेवन एकेडमी, 7 साल से मैं वहीं पर काम करता हूँ, मैं करिकुलम डिज़ाइन करता हूँ उनकी एकेडमी के लिए, म्यूज़िक प्रोड्यूस करता हूँ और काफ़ी और भी काम करता हूँ। तो वहाँ पे मेरी शंकर जी से जब मुलाकात हुई और उन्होंने जैसे मुझे कहा था कि वो अपने साथ मुझे स्टेज पे ज़रूर गवाएंगे, तो लगभग 4-5 साल पहले वो मौका मिला मुझे उनके साथ भी स्टेज शेयर करने का। इट वॉज अ ब्यूटिफुल मोमेंट मेरी लाइफ का, अगेन वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट्स, बहुत बड़ा मोमेंट था मेरे लिए। और उसके बाद मैंने एक्चुअली मैं उनके साथ कोलैबोरेट भी किया बाय गॉड्स ग्रेस। मेरा एक कॉम्पोजिशन था जल शक्ति जो कि प्रोड्यूस किया कुशल भराठिया ने, और शंकर जी ने अपनी आवाज़ दी उसमें, और मैंने भी उसमें एक छोटा पोर्शन गाया। ये गाना था एक जल शक्ति अभियान के अंतर्गत कि हमें पानी को बचाना है, और सिर्फ बचाना है नहीं, लोगों को पानी के प्रति एक सेंसिटिविटी पैदा करनी है, और उसमें शंकर जी ने मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ कि उन्होंने वो गाने को एक्सेप्ट किया और वो गाया। थैंक यू सो मच शंकर जी। और उसके बाद मैं उनके साथ अब काफ़ी सारे स्टेज शोज करता रहता हूँ, उनकी छत्र छाया में, अगेन उनका भी हाथ है मेरे सर पे, मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, दो पद्मश्रीज के साथ, एक हरिहरन जी एक शंकर जी, तो आई कांट थैंक गॉड इनफ, यू नो गॉड हैज़ गिवन मी मोर देन आई एक्चुअली सैट डाउन एंड आस्क्ड, तो थैंक यू सो मच। अच्छा कार्तिक, अब इन दोनों के ही यानी हरिहरन साहब और शंकर महादेवन, इन दोनों के कोई एक एक गाने या कुछ गाने जो आपके फेवरेट हों वो अगर आप गुनगुनाएं हमारे लिए। जी बिल्कुल। तो हरी जी का मैं एक गज़ल सुनाना चाहता हूँ, ये वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट गज़ल्स है हरी जी की। शहर दर शहर लिए फिरता हूँ तन्हाई को, शहर दर शहर लिए फिरता हूँ तन्हाई को, कौन सा नाम दूँ मैं तेरी शनासाई को, शहर दर शहर लिए फिरता हूँ तन्हाई को। और शंकर जी का एक गाना जो कि ऑफ कोर्स बहुत ही मैं जब आई थिंक 10th 11th में था तब से मैं गाता रहा हूँ, मेरे सारे दोस्त मुझे इस गाने से एसोसिएट करते हैं, तो मैं वो गाता हूँ।
मेरे मन ये बता दे तू किस ओर चला है तू, क्या पाया नहीं तूने, क्या ढूंढ रहा है तू, जो है अनकही जो है अनसुनी वो बात क्या है बता, मितवा कहे धड़कने तुझसे क्या, मितवा ये खुद से तो ना तू छुपा। कार्तिक, चूंकि आपने विधिवत तालीम ली है, इसलिए आपसे अगर हम एक शास्त्रीय राग सुनना चाहें तो ना सुने तो उसके बिना ये इंटरव्यू अधूरा रहेगा, तो आप एक कोई शास्त्रीय राग हमें जरूर सुनाएं। जी बिल्कुल, मैं राग यमन सुनाता हूँ। छोटी सी एक बंदिश है, गजानन लंबोदर, अनंगरख जी की, गणपति जी की एक बंदिश है ये। इनफैक्ट मैंने इसे अपने घराना 2.0 इस प्रोजेक्ट के अंदर मैंने इसे विद मॉडर्न प्रोडक्शन एंड गणेशा रैप बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से अपने यूट्यूब चैनल म्यूजिक कार्तिक पे भी रिलीज़ किया था, तो वहाँ पर आप इसका एक दूसरा वर्जन सुन सकते हैं। आपके लिए छोटा सा छोटी सी एक बंदिश गाता हूँ ये। साचि विनायक विघन परम सुख करन राखो गुणियन जगजानन लंबोदर करानन लंबोदर तानन सौरसवरि सबा मबा सानी मजा नी मनी नी दबा मबा गमा दनी जा गमा नी दगा दबा मबा कमा सानी जा मनी जा गमा सानी जा दनी जा गमा सानी जा नी नी जा ता ना सो रस भरी ता ना सो रस भरी मनाऊ गणपति रे झाऊ रसिकन मनाऊ गणपति रे झाऊ रसिकन सजाऊ राग जगाऊ भाग अनगरंग हुलसी काऊ गजानन लंबोदर गजानन धनी रे गम नी रे गम रे गम धनी गम धनी रे धनी गरे जानी दब मनी द पम ग पम गरे जम गरे नी धनी नी रे गम नी नी रे रे गम रे रे ग गम धनी ग गम धनी धनी गरे सा। अच्छा कार्तिक, आप यंग जनरेशन के आर्टिस्ट हैं और अब संगीत में बहुत सारी तकनीक भी आ गई है, बहुत सारे प्रयोग भी हो रहे हैं। एक यंग आर्टिस्ट के तौर पर आप इसे कैसे देखते हैं? आपको लगता है कि ये जायज़ है, इसकी ज़रूरत है, या आपको लगता है कि जो परंपरागत संगीत था हमारा वही ज़्यादा बेहतर था, या थोड़े बहुत बदलाव की ज़रूरत वाकई इस वक्त है जिससे उसे और पॉपुलर किया जा सके? किस तरह से देखते हैं आप? देखिए क्या है, चेंज तो दुनिया का नियम है। आई डोंट थिंक कि इवन आप देखिए तो अगर हमारे जो ट्रेडिशनल जो एंसेस्टर्स थे उन्होंने भी समय समय पर चीज़ों को दूसरी चीज़ों से इंस्पायर करके अपने में उसको किस तरह से उसे ढाला और उसे और एनहेंस किया। तो कला है ही ऐसी चीज़, आर्ट ऐसा है कि आर्ट हमेशा चीज़ों से इंस्पायर होता है एंड एंड द आर्ट इवॉल्व्स इटसेल्फ। तो हम अगर हम ये सोचें कि नहीं जो पहले था वही अच्छा था और अब जो है वो खराब है, तो मैं इसमें नहीं बिलीव करता। हाँ मैं ये ज़रूर बिलीव करता हूँ कि जैसे जैसे मैंने पहले भी कहा, मैं खुद कोशिश करता हूँ कि हम
ट्रेडिशनल चीज़ी को किस तरह से नए फॉर्म में, देखिए अगर आप एक छोटे बच्चे को समझ लीजिए, आपको उसको एक रोटी खिलानी है, तो माँ एक बच्चे को वो रोटी खाए उसके लिए वो क्या अलग अलग तरीके से उसी रोटी के अलग अलग डिशेस बना के खिलाती हैं। जैसे कि कभी उसके ऊपर कुछ डिजाइन कुछ बना दिया, कुछ ऊपर कुछ चीज लगा दिया, कुछ पिज्जा का कुछ फ्लेवर डाल दिया, लेकिन रोटी वही है, तो बच्चा उसको और अच्छे से खा पाता है। तो हमको म्यूजिक को भी इसी तरह पैलेटेबल बनाना है, स्पेशली शास्त्रीय संगीत को, और इसीलिए मैंने शुरू किया था घराना 2.0। तो 2.0 क्यों? 2.0 मतलब कि एक अपडेटेड वर्जन। अपडेटेड वर्जन किस चीज का? देखिए म्यूजिक तो है ही, हमारा ट्रेडिशनल संगीत बहुत ही ज्यादा डीप है, स्ट्रांग है, लेकिन नए लोगों को या नई जनरेशन को वो किस तरह से प्रेजेंट किया जाए। जैसे क्लासिक का पहला था तो राग वही था, भीमपलासी वही था, बंदिश वही थी, तराना वही था, लेकिन वो प्रेजेंट कैसे हुआ? तो प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और घराना 2.0 में भी प्रोडक्शन के हिसाब से आज इतनी नई नई टेक्निक्स आ गई हैं, म्यूजिक प्रोडक्शन है, साउंड डिजाइनिंग है, तो आप एक चीज को किस तरह से नई तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे जो मैंने अभी बंदिश गाई गजानना यमन में, मैंने जब ये घराना 2.0 में रिलीज किया था, आप जाकर सुनिए उसका जो प्रोडक्शन है बहुत ही मॉडर्न है, पीछे बीट्स चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप देखिए हमारे इयर्स एज ए यंग जनरेशन, हम लोग इतने सारे नए गाने सुनते हैं, पॉप सॉन्ग सुनते हैं, तो हमारे कान उन चीजों के लिए भी यूज टू इट हो चुके हैं। हम उस टाइम पे वही पुराने स्टाइल से सुनाएंगे तो नए लोग उतना उसे इंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो हम चाहते हैं भाई हमारा यही म्यूजिक अच्छी तरह से लोग और इंजॉय करें, उसे अच्छे से रिसीव करें। तो यही कोशिश मेरी भी है, घराना 2.0 हो या क्लासिक का पहला जैसे मैंने जो पीसेस बनाए वो हो, कि उसमें चीजें कंटेंट वही रहेगा, देखिए मसाला वही है, लेकिन जो डिश को प्रेजेंट करने का तरीका है वो अलग है। तो अब जैसे मैंने उसमें गजानना में मैंने बीच में एक रैप डाला, अब वो रैप गणेशा का ही रैप था, लेकिन उसको मैंने एज अ रैप, क्योंकि आजकल रैप जैसे चल रहा है, तो व्हाई नॉट इंक्लूड रैप एज अ क्लासिकल फॉर्मेट, वो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आई थिंक द मोर वी एक्सपैंड एंड द मोर वी इंक्लूड मोर थिंग्स, इट विल इवॉल्व बेटर एंड लोगों को ज्यादा रीच होगा। यही यमन अब जो कोई नया जनरेशन का सुनेगा, अगर जैसे मेरे घराना 2.0 का कोई कोई सुनेगा, तो आई एम वेरी श्योर कि ही विल लाइक एंड ही विल वॉन्ट टू लर्न। तो हम इससे अट्रैक्ट करेंगे यंगर जनरेशन को कि और भी ज्यादा वो क्लासिकल की तरफ उनका रुझान हो। क्लासिक का पहला जैसे उन्होंने अगर किसी ने सुना, तो आई एम वेरी श्योर कि कोई इंसान सुन के, अरे यार ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर हम उसे वही जैसे पुरानी सिर्फ एक रोटी जैसे दे दें और खाने को बोले, तो शायद वो बच्चा ना खाए, लेकिन उसको अलग तरीके से बना के दे तो जरूर खाए। तो आई एम वेरी वेरी ओपन टू यू नो ब्रिंगिंग इन लॉट ऑफ अदर एलिमेंट्स, यूजिंग टेक्नोलॉजी एंड प्रेजेंटिंग थिंग्स इन अ बेटर फॉर्मेट। और जैसे मैंने कहा, चेंज तो संसार का नियम है, तो जरूर चेंज होना चाहिए, चीजें अच्छी अच्छी चेंजेस होने चाहिए, अच्छे से इवॉल्व होना चाहिए। अपने ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म को हमें वैसे रख के उसका किस तरह से हम प्रयोग करें कि भाई उसमें भी कोई डिस्टॉर्शन ना हो। ये नहीं, चेंज का मतलब ये नहीं कि उसे तोड़ मड़ोड़ के उसे खराब कर दिया, नहीं, चीजों को किस तरह से प्रेजेंट किया जाए वो भी इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक इट्स अ गुड बैलेंस ऑफ बोथ, इट शुड बी अ गुड बैलेंस ऑफ बोथ। कार्तिक, इस इंटरव्यू को हम खत्म करें उससे पहले एक बार फिर गुजारिश करेंगे कि चलते चलते कुछ गाने, कुछ आपके दिल के करीब गाने, कुछ मेडले सा जो आप हमें सुनाना चाहें। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं राजगिरी का करना चाहूंगा कि आपने मुझे आपके साथ बात करने का ये मौका दिया, और सभी दर्शकों को भी थैंक यू बोलना चाहूंगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस। मैं जरूर दो गाने गाता हूँ आपके सामने। एक गाना है जिसको जिसका नाम है बसंत आया, और बसंत आया बहुत ही स्पेशल गाना है, मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि ये मैंने पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज जी के लिए बनाया, कंपोज किया, और मैं सुनील सुनकारा और उमा जी का जिन्होंने गाना लिखा है बहुत उनका धन्यवाद करूंगा, क्योंकि उनकी वजह से ये अपॉर्चुनिटी मिली। और ये गाना हमने उनके 80th बर्थडे, बिरजू महाराज जी के 80th बर्थडे पर हमने प्रेजेंट किया था, तो मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये गाना बहुत ही एक अपबीट फंकी नंबर है, आप मेरे यूट्यूब चैनल म्यूजिक कार्तिक पर भी सुन सकते हैं। इट्स कॉल्ड बसंत आया। लाइक मैंने कहा, घराना 2.0 के अंदर मैं कोशिश करता हूँ कि सारे गाने यू नो यंग जनरेशन के लिए अपबीट, पैपी, एट द सेम टाइम कीपिंग द ट्रेडिशंस अलाइव। दैट इज माई एंटायर कोशिश ऑफ डूइंग द घराना 2.0। तो ये मैं इसकी कुछ लाइनें सुनाता हूँ आपको। बीता शिशिर बसंत है आया, बीता शिशिर बसंत है आया, बीता शिशिर बसंत है आया,
सब हर्षित मधुमास है छाया, सजग हुए निर्जीव जीव सब नव जीवन का कुर आया, पीता शिशिर बसंत है आया, पीता शिशिर बसंत है आया। जो दूसरा गाना है वो अगेन वन ऑफ माई ओन कॉम्पोजिशंस जो मैंने खुद लिखा है और मैंने ही प्रोड्यूस किया है इस गाने को। इस गाने का नाम है जाओ जाओ। और ये घराना 2.0 का एक बहुत ही यूनिक कॉम्पोजिशन इसलिए है क्योंकि हम जनरली यू नो बंदिश जब गाते तो कई बार जो पहले पुराने ज़माने में जो लिखी गई चीज़ें थी वो उस ज़माने के जो काम है, जो जैसे कि पनिया भरन की आई रे बेला। अब ये गाना तब के लिए इट वॉज सूटेबल क्योंकि तब लोग पानी भरने जाते थे रिवर रिवर बैंक पे, पर अब ऐसा नहीं होता। तो मैंने ये जो गाना बनाया ये है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के बारे में, लेकिन ट्रेडिशनली उसको मैंने साउंड किया है। तो ये गाने की मैं कुछ लाइनें गाता हूँ आपके लिए। और एक सरप्राइज भी ये है कि मैं इस गाने के एक बहुत नए वर्जन अपने घराना 2.0 के साथ आने वाला हूँ, तो वॉच वॉच इट आउट। मैं आपके लिए उसकी दो लाइनें गाता हूँ। जाओ 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 ना मैं बोलूं तो से, जाओ 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 ना मैं बोलूं तो से, जाओ 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 ना मैं बोलूं तो से, करत ढिठाई मोह से पिहरवा, करत ढिठाई मोह से पिहरवा, ऐसे ना सताओ, जाओ 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 ना मैं बोलूं तो से, जाओ जाओ जाओ। थैंक यू सो मच। कार्तिक, आपने हमारे लिए समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और रागगिरी की ढेर सारी शुभकामनाएं कि आपका संगीत सफर, आपकी संगीत साधना यूं ही चलती रहे।